हाँ नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है उधम सिंह के ऊपर, महात्मा उधम सिंह। तो कंसेप्ट और व्यक्ति, व्यक्ति के नाम पे तो महात्मा उधम सिंह के बारे में आप जानते होंगे, वरना गूगल कर सकते हैं। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह, ये पूरा टाइप नाम है। और महात्मा उधम सिंह में शब्द अहिंसा मूर्ति आ गया, क्योंकि जो अहिंसा मूर्ति है, जो व्यक्ति अहिंसा में मानते हैं, वही महात्मा हो सकते हैं, और महात्मा हमेशा अहिंसावादी ही होते हैं। तो पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो राइट टू रिकॉल ग्रुप में है, अधिकतर जो कार्यकर्ता मेरे हैं, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, सच्चिदानंद सान्याल, उन सबको महात्मा कहते हैं। महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा सुभाष चंद्र बोस, और हम में से अधिकतर मोहन भाई को दुरात्मा कहते हैं, दुरात्मा गांधी। अब एक व्यक्ति के नाम पे महात्मा उधम सिंह है, तो वो आप गूगल कर सकते हैं उनके बारे में। महात्मा उधम सिंह ने तय किया कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, तो उन्होंने तय किया कि जनरल डायर, दो लोग दोषी थे, जनरल डायर और उस समय पंजाब के गवर्नर थे ड्वायर, DWYER। तो उन्होंने तय किया कि ड्वायर को न्याय, ड्वायर के ऊपर न्याय की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने ड्वायर का वध किया। मैं एग्जैक्ट ईयर भूल गया, 1940 के आसपास। और दुरात्मा गांधी ने उन्हें पागल आदमी कहा था, पर वो सब खैर वो तो कहेंगे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश मीडिया का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने उधम सिंह को पागल आदमी कहा। तो एक शब्द में आपका, एक वाक्य में कहे तो उधम सिंह ने जनरल ड्वायर का, सॉरी गवर्नर ड्वायर का वध किया था, क्योंकि गवर्नर ड्वायर के आदेश पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था। अब उधम सिंह शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति की जो महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखते हैं, जो राइट टू रिकॉल मूवमेंट है, जिस मूवमेंट का मैं जो मूवमेंट में आगे बढ़ाना चाहता हूं, राइट टू रिकॉल मूवमेंट का ध्येय है कि हम राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपवाना चाहते हैं। ये गैजेट है, गैजेट क्या है? राजपत्र, यानी मंत्रियों द्वारा दिए गए कलेक्टर, सेक्रेटरी, सारे अधिकारियों को आदेश। यदि देश में राइट टू रिकॉल का कानून चाहिए, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए, तो प्रधानमंत्री यदि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छाप दे, ये पहला कानून है RTI 2, ये मेरा रेफरेंस मटीरियल है, rahulmehta.com/301.htm, और इसका हिंदी में है rahulmehta.com/301.htm और rahulmehta.com/g.htm वो गुजराती में है। तो ये तीन लाइन यदि गैजेट में छप जाती है, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन तीन लाइन को गैजेट में छाप देते हैं, तो तीन चार महीने के अंदर देश में राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, ये सारे कानून गैजेट में छप जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि भाई हम कैसे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ये तीन लाइन गैजेट में छापनी चाहिए। तो पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि ये तीन लाइन गैजेट में आनी चाहिए या नहीं, वो आपका डिसीजन हुआ। यदि आप कहते हो कि नहीं, राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में नहीं छपने चाहिए, या तो RTI 2, ये तीन लाइन का कानून गैजेट में नहीं छपना चाहिए, काफ़ी लोग हैं जो कि राइट टू रिकॉल के विरोधी है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन यदि आप मानते हो कि नहीं, हमें प्रधानमंत्री के पास ये राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपवाने हैं, तो क्या करना चाहिए? तो जो भी एक्टिविटी लिस्ट है, उसमें महात्मा उधम सिंह का कंसेप्ट महत्वपूर्ण का है। अंत में मतलब ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस कानून को गैजेट में छापेंगे, तो वो दो कारणों से होगा, और दोनों जरूरी है, दो में से एक भी नहीं हुआ तो भी काम रुक जाएगा। एक जन आंदोलन, यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आम नागरिक, कार्यकर्ता और आम नागरिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से विनती कर रहे हैं कि भाई इसे आप गैजेट में छापिए, और दूसरा कि महात्मा उधम सिंह
अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री को विनती कर रहे हैं कि आप इसे गैजेट में छापिए। वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड में काम आएगा महात्मा उधम सिंह की विनती। प्रधानमंत्री यदि गैजेट में छापेंगे तो वो महात्मा उधम सिंह की विनती से ही छापेंगे, लेकिन महात्मा उधम सिंह कब विनती करेंगे कि जब करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से बात करें, वरना महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे। तो पहला आता है कि महात्मा उधम सिंह कौन, तो कोई भी व्यक्ति जो कि महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखता है। महात्मा उधम सिंह अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह की प्रकृति क्या है? एक तो वो 100% अहिंसा में मानते हैं, वो उनमें जरा भी हिंसक वृत्ति नहीं है। जैसे भारत की राजनीति में, मतलब यर 1900s के बाद करिए, मतलब क्या आज़ादी की मूवमेंट से लेके अब तक, यर 1905 से लेके शुरुआत करके अब तक, तो सबसे ज़्यादा हिंसक व्यक्ति कोई है तो वो है दुरात्मा गांधी, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा अहिंसक व्यक्ति है तो वो महात्मा उधम सिंह। तो एक तो महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखने वाला आदमी, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अहिंसक आदमी है। दूसरा, समय और स्थिति के अनुसार वो अपनी नीति तय करेंगे। जैसे कि भगत सिंह भी एक तरह से वो महात्मा उधम सिंह की प्रकृति रखते थे। उन्होंने तय किया कि संगठन बनाना है, उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने सोचा कि भाई संगठन के अंदर विभीषण नहीं आएंगे, यदि लेकिन ऐसा कोई संगठन हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई लंका नहीं बनेगी जिसमें विभीषण ना हो। तो उनके संगठन में भी 2-4 विभीषण आ गए, और उनके जो भी 30-35 कार्यकर्ता थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के, अधिकतर मारे गए या तो अरेस्ट हो गए। इसी तरह से महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी महात्मा उधम सिंह के ही एक प्रकार है। महात्मा उधम सिंह को एक बेस क्लास मान लीजिए, तो ये उसके अलग अलग वेरिएशन है समय और स्थिति के अनुसार। महात्मा चंद्रशेखर से गलती क्या हुई कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू अर्थात जवाहरलाल गाजी, उन पे उन्होंने भरोसा कर दिया और उनसे मिलने वो आनंद भवन गए, और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि अभी अभी चंद्रशेखर महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद आनंद भवन से निकले, और अंग्रेजों ने उनको घेर के उनका अल्फ्रेड पार्क में उनकी हत्या की। तो वो उनसे गलती हो गई, मतलब गलतियाँ होती रहती है, पर अंत में महात्मा उधम सिंह का या तो उनके तरह के जो लोग होते हैं उनका ध्येय क्या होता है कि देश के नागरिकों की इच्छा का अमल करना। फिर सुभाष चंद्र बोस, वो भी महात्मा उधम सिंह के एक प्रकार है। महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने समय और स्थिति के अनुसार दूसरा रास्ता लिया कि भाई विदेशों में, विदेश यानी कि जर्मनी जापान के सहयोग से सेना खड़ी करके भारत के लोग आज़ादी चाहते हैं, उन्हें आज़ादी दिला सकते हैं। तो एक तो महात्मा उधम सिंह है वो अहिंसक होते हैं, समय और स्थिति के अनुसार वो नीति या तो अपने कदम तय करेंगे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन कौन सी चीज उनको मोटिवेट करती है, किस चीज पर वो अमल करेंगे, वो होते हैं आम नागरिकों की इच्छा। जैसे कि महात्मा भगत सिंह ने सैंडर्स का वध किया, सैंडर्स को फांसी की सजा दी, तो कोई इसलिए तो नहीं किया था कि सैंडर्स से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, ऐसा तो नहीं था कि सैंडर्स ने पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे और जाके उनको उनका वध किया कोई भाई की तरह, ऐसा कोई नहीं था। महात्मा भगत सिंह ने देखा कि एक आम हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानी, लाखों हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानी चाहते हैं कि सैंडर्स के ऊपर न्याय की तलवार गिरनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने सैंडर्स को फांसी की सजा दी। तो महात्मा उधम सिंह का सबसे मुख्य लक्षण है, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है कि वो देश के मेजोरिटी, करोड़ों नागरिक जो चाहते हैं वैसा वो करेंगे। यानी यदि देश के नागरिक चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में छपे, यदि देश के नागरिक और देश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गैजेट में छपे, तो उन्हें दो काम करने पड़ेंगे और दो काम पर्याप्त है। फिर वो दो काम करने के लिए फिर और काम करने पड़ेंगे, वो मैं बाद में लिस्ट बताऊंगा। वो दो काम क्या है कि उन्हें प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से विनती करनी पड़ेगी कि आप ये राइट टू रिकॉल के या RTI 2 के ड्राफ्ट गैजेट में छापिए, और दूसरा उन्हें महात्मा उधम सिंह से विनती करनी पड़ेगी कि आप प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को समझाइए कि वो इसे गैजेट में छापे 100% अहिंसक तरीकों से, कहीं सर से मुंह तक कहीं हिंसा नहीं है इसमें। अब महात्मा गांधी को, महात्मा उधम सिंह को आप विनती कैसे करेंगे,
तो पहले तो महात्मा उधम सिंह के फोरहेड पर नहीं लिखा कि ये महात्मा उधम सिंह है। जैसे कि महात्मा भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब तो किसी को पता नहीं था कि वो महात्मा भगत सिंह बनने वाले हैं, किसी दुरात्मा के भी सर के फोरहेड पर नहीं लिखा होता। दुरात्मा गांधी का जब जन्म हुआ था तो भी उनके फोरहेड पर भगवान ने ये लिख के नहीं भेजा था कि ये दुरात्मा बनने वाले हैं। हिंदुस्तान में अभी जो 120 करोड़ नागरिक है उनमें से आप अंदाज लगा दीजिए, ये अंदाज आपको लगाना है, आप यदि मान के चलते हो कि एक भी आदमी उधम सिंह नहीं है 120 करोड़ की आबादी में, तो ये पूरा एजेंडा है वो फाड़ के फेंक दीजिए, राइट टू रिकॉल का कानून हिंदुस्तान में नहीं आने वाला, आएगा तो उधम सिंह से ही आएगा। यदि आप मान के चलते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान में 50 उधम सिंह है, 100 उधम सिंह है, 500 उधम सिंह है, वो आपकी मान्यता हुई, आप मान के चलिए, मेरा अंदाज है कि हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 10-12 हजार उधम सिंह है आज के हिंदुस्तान में। तो उधम सिंह यदि कन्विंस हो जाते हैं कि भाई देश की मेजोरिटी लोग इस राइट टू रिकॉल के कानून को या तो ब्लैक मनी कानून को या कोई भी कानून को, एमआरसीएम का कानून को गैजेट में देखना चाहते हैं, वो कन्विंस हो जाएंगे तभी वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि भाई आप ये कानून गैजेट में छापिए। तो अब ये मैंने बोला कि 5000 उधम सिंह है, कोई कहेगा नहीं 50 उधम सिंह है, कोई कहेगा नहीं 500 उधम सिंह है, मैं कहूंगा 5 उधम सिंह काफी है। यदि पूरे देश में 5 उधम सिंह है और यदि 5 उधम सिंह भी यदि प्रधानमंत्री को विनती करते हैं तो प्रधानमंत्री इसे गैजेट में छाप देंगे। तो पहला सवाल आता है कि आप उधम सिंह तक बात कैसे पहुंचाओगे। तो अब एक मैं सामान्य सवाल पूछूं कि भाई आपको पता है कि आपके घर में मान लो 4 अलमारी है और किसी एक अलमारी में एक किताब रखी है और आपको पता नहीं कि कौन सी अलमारी में किताब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों अलमारी देखनी पड़ेगी। मान लो आपके घर में 100 अलमारी है और आपको पता है कि भाई आपने एक अलमारी में किताब रखी थी, याद नहीं आ रहा कौन सी अलमारी में रखी थी, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 की 100 अलमारी देखनी पड़ेगी। तो इसी तरह से 120 करोड़ नागरिकों में से 50 या 500 या 5000 या 12000 उधम सिंह है, यदि उन तक आपको बात पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको 120 करोड़ लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। आपको 120 करोड़ लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि भाई 120 करोड़ लोग चाहते हैं या तो 80 करोड़ लोग चाहते हैं या तो 70 करोड़ लोग चाहते हैं कि ये कानून गैजेट में छपे। तो आपको पहले प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, कैसे बोल सकते हैं, पत्र लिख के या तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलके, आज एक पार्टी है कांग्रेस है मान लो कल दूसरी पार्टी हो सकती है, तो सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले कि भाई हम चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में आज के आज हो सके तो अभी के अभी छपे। और एमएलए एमपी सबको बोलिए कि भाई हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री को कहे कि ये गैजेट में छापे, और यदि प्रधानमंत्री नहीं छापते तो आप कम से कम एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं मानते, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं मानते वगैरह। अब और उसके बाद आपको अन्य कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा, धरना के कार्यकर हो, दूसरी संस्थाओं के कार्यकर हो, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, फिर उनको कहे कि वो भी बड़े पैमाने पर राइट टू रिकॉल का प्रचार करें। और अंत में आपको विनती करनी पड़ेगी महात्मा उधम सिंह से किस तरह से कि आप हरेक नागरिक को मिले, जितने हो सके, हरेक यानी 120 करोड़ में से आप सारे 120 करोड़ तो नहीं मिल सकते, पर जितने हो सके उनके मिलिए, मिलकर कहे कि मैं महात्मा उधम सिंह से विनती करता हूँ कि महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से मिलकर ये राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपाए। वो आपको तभी करना है जब आप राइट टू रिकॉल के कानून से सहमत हो। यदि आप राइट टू रिकॉल के कानून से सहमत हो तो उल्टी विनती करिए, आप प्रधानमंत्री को ये कहिए कि नहीं राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में नहीं आने चाहिए, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राइट टू रिकॉल बकवास है, तो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि नहीं राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में नहीं छपना चाहिए। धरना ने कहा कि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं होना चाहिए। यदि आप राइट टू रिकॉल लोकपाल के विरोधी है तो आप उल्टी विनती करनी है आपको। यदि आप राइट टू रिकॉल के समर्थक है, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, तो आपको प्रधानमंत्री को और उधम सिंह को विनती करनी है कि प्रधानमंत्री को विनती करनी है कि वो गैजेट में छापे, उधम सिंह को विनती करनी है कि आप प्रधानमंत्री को कहो कि ये गैजेट में छापे। अब जब उधम सिंह कन्विंस हो जाएंगे कि भाई करोड़ों लोग चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के कानून, एमआरसीएम के कानून, ज्यूरी सिस्टम के कानून गैजेट में छपे, तो वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उसके लिए कोई कॉन्क्रीट सबूत की जरूरत नहीं है। जैसे कि महात्मा भगत सिंह ने जब तय किया कि सैंडर्स की, करोड़ों लोग चाहते हैं कि सैंडर्स पर न्याय की तलवार गिरे, तो उन्होंने कोई ओपिनियन पोल लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी।
उन्होंने कोई वोटिंग नहीं कराई थी, कोई रेफरेंडम नहीं कराया था, कोई घर घर पे वो क्वेश्चनियर लेके पूछने नहीं गए थे, वो आम आदमियों के बीच रहते थे, पब्लिक के बीच रहते थे, और बातचीत से अंदाज आ जाता है आदमी को कि भाई मेजोरिटी क्या चाहती है। कभी कभी जब बड़े पैमाने में मेजोरिटी की एक इच्छा होती है तो उसके लिए कोई ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं होती, कोई क्वेश्चनियर की जरूरत नहीं होती, कोई रेफरेंडम की जरूरत नहीं होती। यदि महात्मा उधम सिंह कन्विंस हो गए कि भाई देश के करोड़ों नागरिक ये चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री को विनती करेंगे, तो ही वो प्रधानमंत्री को विनती करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आप महात्मा उधम सिंह से पर्सनली मिलके उनको कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दो या तो उनको पैसा दे दो और वो पीएम से विनती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पैसा उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, वो इतने समझदार और जानकार आदमी है कि मीडिया उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मीडिया किसे बेवकूफ़ बना सकता है कि जो व्यक्ति के पास जानकारी कम हो, जिसके पास जानकारी है वो तो मीडिया पे भरोसा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पेड मीडिया है। एवरी पॉलिटिकल न्यूज़, एवरी न्यूज़ तो नहीं पर एवरी पॉलिटिकल न्यूज़ इज अ पेड न्यूज़। वो पता है, जो जो आदमी पॉलिटिक्स का काफ़ी समय से अध्ययन कर रहा है उसे पता है कि भाई एवरी पॉलिटिकल न्यूज़ इज अ पेड न्यूज़, एवरी एडिटोरियल इज अ पेड एडिटोरियल, एवरी कॉलम पॉलिटिकल कॉलम इज अ पेड कॉलम। तो वो इस पर भरोसा ही नहीं करने वाला, कुछ भी बोले, पॉजिटिव में कहे या नेगेटिव में कहे। अंत में जब मेजोरिटी सचमुच कहेगी कि भाई ये कानून गैजेट में छपना चाहिए और महात्मा उधम सिंह आप प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें कन्विंस करिए, तो तभी वो कन्विंस होंगे। तो इसका एक ही तरीका है, वो लॉन्ग कट या राइट कट, शॉर्टकट नहीं चलेगा, राइट कट ही चलेगा, कि आप करोड़ों लोगों को कहिए, आप पहले प्रधानमंत्री को कहिए कि ये कानून गैजेट में छपे, फिर जितने हो सके करोड़ों यानी जितने हो सके उतने लोगों को कहिए कि आप ये कानून गैजेट में छपे, और सारे आप खुद महात्मा उधम सिंह को विनती करिए कि भाई आप प्रधानमंत्री को कहिए कि ये कानून गैजेट में छपे, और आप दूसरों को कहिए कि वो भी महात्मा उधम सिंह को विनती करे कि ये कानून गैजेट में छपे। तो उसके बाद महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे, विनती करेंगे, और उनकी विनती को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं टालेंगे। यदि महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री से विनती करेंगे तो प्रधानमंत्री राइट टू रिकॉल के कानून को गैजेट में छाप देंगे, वरना अगले प्रधानमंत्री 100% छाप देंगे। और उसमें कैसे भाई, ऐसी क्या खास बात है महात्मा उधम सिंह में जो मेरे में नहीं है या आप में नहीं है? देखो 1946 में ये सारे मनमोहन सिंह जैसे दोगले आदमियों को जाने दो, ब्रिटेन के एमपी, जो ब्रिटेन पूरी दुनिया पे शासन कर रहा था, भले कमजोर हो चुका द्वितीय विश्व युद्ध से, पर उसके एमपी ने फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप पीएम के पास ये कानून कैसे छपवाओगे राइट टू रिकॉल, या एमपी क्यों राइट टू रिकॉल का कानून पास करेंगे। भाई आज के एमपी क्या चीज है, उनके उनसे 10 गुने ज्यादा शक्तिशाली थे अंग्रेजों के एमपी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी, उन्होंने भी 1946 में फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि वो क्या दुरात्मा गांधी चरखा घुमा रहे थे, या तो उनकी वो चरखा रेजिमेंट और खादी ब्रिगेड और भजन मंडलियां थी जिसके वो 100 माइल प्रति घंटा की स्पीड से चरखा घुमाते थे और अंग्रेज उसको डर के भाग गए। 1946 में अंग्रेज के एमपी डरे थे महात्मा उधम सिंह की वजह से। महात्मा उधम सिंह मतलब महात्मा उधम सिंह और उनकी प्रकृति वाले व्यक्ति, उन्हें भय था कि भाई यदि हमने फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास नहीं किया तो महात्मा उधम सिंह हो सकता है उन्हें विनती करने आए, और वो थोड़े समझदार थे इसलिए विनती करने आए, उससे पहले उन्होंने पास कर दिया। और कुछ कुछ हुआ भी था, जैसे कि 1946 में नेवी का विद्रोह हुआ था, नेवी रिवोल्ट। जो पेड हिस्टोरियन है जिन नेहरू ने जिनको पैसा देके इतिहास लिखवाया, वो इसे नेवी म्यूटी नहीं कहते, रॉयल नेवी म्यूटी नहीं कहते थे, पर म्यूटी नहीं थी, ये विद्रोह था। और उसके बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यदि कांग्रेस को सत्ता नहीं दी तो सत्ता भारत की सेना के हाथ में या आम क्रांतिकारियों के हाथ में चली जाएगी, तो कांग्रेस में उनके बहुत सारे एजेंट थे, इसलिए अपने एजेंट को सत्ता दे दो बजाय कि सत्ता क्रांतिकारियों के हाथ में चली जाए। और उस समय क्रांतिकारी और लोगों को जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के अधिकतर आदमी अंग्रेजों के एजेंट है, इसलिए जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता हो गई तो वो सचमुच मान बैठे कि सत्ता हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई, वो एक अलग बात है। पर
यदि कोई कहता है कि भाई पीएम है इस कानून को नहीं छापेंगे, तो मैं बोलता हूं कि भाई ऐसी क्या खास बात थी 1946 में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ब्रिटेन के तो हित में नहीं था फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट, एमपीओ के भी हित में नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के अधिकतर एमपी थे वो किसी न किसी बिजनेस में लगे हुए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो टेक ओवर हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक या दूसरी तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, या तो जो बड़ी कंपनियां होती थी उसमें उनके दोस्त या तो रिश्तेदार होते थे। तो ब्रिटेन का जो इंडिया में इकोनॉमिक एम्पायर था उसमें ब्रिटेन के अधिकतर एमपीओ का पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था, उसके बावजूद भी उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1946 में, तो वो महात्मा उधम सिंह की वजह से। तो इसी तरह से महात्मा उधम सिंह के द्वारा हम इस कानून राइट टू रिकॉल एमआरसीएम ये सारों कानूनों को गैजेट में छपवा सकते हैं। इसमें डिटेल्स की कोई खास जरूरत नहीं है कि महात्मा उधम सिंह कैसे प्रधानमंत्री को कन्विंस करेंगे, ये आप उन पे छोड़िए। उन्होंने यदि 1946 में अंग्रेज एमपी को कन्विंस कर दिया कि फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट पास कीजिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया, ब्रिटेन के किंग को कन्विंस किया कि चुपचाप इस पे साइन करो, तो ये प्रधानमंत्री या किस खेत की मूली है, वो उनके सामने दो दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अब सवाल आता है कि ये राइट टू रिकॉल की इंफॉर्मेशन करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, और महात्मा उधम सिंह को जो विनती करनी है वो कैसे महात्मा उधम सिंह तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि करोड़ों लोग चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छपे। तो उसके लिए मैंने चैप्टर 13 में प्रचार के तरीके दिए हैं कि चैप्टर 13 में किस तरह से प्रचार करना हो सकता है। तो उसमें पहला नियम है मीडिया का बायकॉट, मीडिया यानी मीडिया विथ अननोन ओनर। दूरदर्शन का बायकॉट नहीं करना है, मैं दूरदर्शन को सपोर्ट करता हूं क्योंकि हमें पता है कि उसका मालिक कौन है, भारत सरकार, भारत के लोग, फिर भले वो भारत के नागरिकों के कंट्रोल में ना हो, कंट्रोल उस पर पीएम का है, बकवास लोगों का, उसके लिए सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन, लेकिन हमें पता है कि भाई इसका मालिक कौन है। लेकिन कुछ एक चैनल है उसका मालिक कौन है वही पता नहीं है, उसका मालिक दाऊद भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया के लोग भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी भी हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती है। जिस चैनल का हमें 100% मालिक पता हो कि भाई ये आदमी उसका मालिक है, मैं कहूंगी वो आदमी कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो वो मतलब नहीं रखता, क्योंकि कम से कम हमें पता तो है कि भाई इस चैनल का मालिक कौन है। तो जिस चैनल का मालिक हमें नहीं पता उसका हमें बायकॉट करना है। यूं मान के चलो कि वो उसका मालिक हमारा दुश्मन है, और यदि वो दुश्मन नहीं है तो वो बाहर खुल के क्यों नहीं आ रहा सामने। तो जिस चैनल का मालिक हमें पता है उससे सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, जिस चैनल का मालिक हमें पता नहीं है, जो चैनल खुद ट्रांसपेरेंसी का विरोध करती है, जो चैनल खुद कहती है कि भाई हम अपने मालिकों का नाम तुम्हें नहीं बताएंगे, हम अपने स्पॉन्सर का नाम तुम्हें नहीं बताएंगे, मतलब उनको पैसा कहां से आ रहा है, तो जो चैनल अपना फंडिंग डिस्क्लोज नहीं करता उस चैनल का बायकॉट करना है। दूसरा है कि प्रचार कैसे करना है कि हर महीने 20-25 पोस्टकार्ड लिख के, पैम्फलेट बांट के, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब की वीडियो पे, और दूसरा पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके, और सबसे अहम आता है इलेक्शन लड़के। राइट टू रिकॉल को मुद्दा बना के जितने ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे उतनी ये बात जल्दी से फैलेगी। कैसे कि जैसे ही आप चुनाव में खड़े रहोगे तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम आपका पैम्पलेट पढ़ेंगे, और पैम्पलेट में यदि राइट टू रिकॉल के बारे में लिखा है तो वो राइट टू रिकॉल के विचारों से परिचित होंगे। तो पार्टी में सारे कार्यकर्ता बुरे नहीं होते, कोई भी बुरी से बुरी पार्टी ले लो, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी की मायावती एकदम करप्ट है, जयललिता एकदम करप्ट है, बीजेपी के भी आधे से नेता ज्यादा करप्ट है, सीपीएम सर से पांव तक उसके न्यू समझो 90-95% एमपी गद्दार है, पर कार्यकर्ता लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि 95% कार्यकर्ता नहीं तो खराब से खराब पार्टी में भी 50% कार्यकर्ता है वो देश का हित चाहते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं तक राइट टू रिकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे कि यदि आप चुनाव में खड़े रहोगे, आप चुनाव में खड़े रहोगे तो भले आपको वोट नहीं देना है, भले पता है सबको कि आप हारने वाले हो, लेकिन आपकी पत्रिका जरूर पढ़ेंगे, वो क्यूरियोसिटी एलिमेंट बोलो, या तो कि भाई सामने वाले के बारे में जानना है कि भाई वो चुनाव में क्यों खड़ा रहा, वो आदमी को पता है कि वो इलेक्शन जीतने वाला है तो भी क्यों वो अपने 10-20-50 हज़ार व्यर्थ कर रहा है, या तो वो क्यों अपना इतना टाइम दे रहा है। तो इस क्यूरियोसिटी के कारण भी जो जितने भी लोग पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं वो पत्रिका को पढ़ेंगे, और पत्रिका के माध्यम से आप राइट टू रिकॉल के विचार उन तक पहुंचा सकते हो, और उनमें से अधिकतर कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल का विचार अच्छा लगेगा कि हाँ भाई
यदि कोई आदमी चुन जाता है और यदि 5 साल तक प्रजा उसे निकालने का पावर नहीं है प्रजा के पास, तो वो क्यों प्रजा का काम करेगा। एक आदमी मजिस्ट्रेट बन गया 25-30 साल की उम्र में, यानी अब 30 साल तक उसे कोई पब्लिक उसे नौकरी से निकाल नहीं सकती, तो वो कहाँ पब्लिक का काम करेगा। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए, ये सारे कानून एक आम कार्यकर्ताओं को, अच्छे कार्यकर्ताओं को, जिन जो प्रजा हित चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं को ये सारे कानून अच्छे लगेंगे। तो उन तक बात पहुंचाने का सबसे इफेक्टिव माध्यम है चुनाव लड़ना, उसके बाद है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट कार्ड राइटिंग, और सबसे कभी भी गलती से भी ऐसी मीडिया जिसको जो खुद अपने मालिक का नाम ना बताना चाहती हो, शेयर होल्डर के नाम, तो उसका जितना हो सके उस हद तक उससे दूर रहना, वो चैनल देखना भी मत। मैं दूसरों को भी कहता हूँ, मैंने लिस्ट अभी नहीं देना चाहता क्योंकि डिफेमेशन का केस भी होता है, हो सकता है, पर मैं अक्सर अपने फेसबुक अकाउंट में ऐसी चैनलों के नाम डालता रहता हूँ कि जो सऊदी अरेबिया के पैसे पे, मिशनरियों के पैसे पे और मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलती है, और लोगों को कहता हूँ कि ये चैनल देखिए भी मत, और उस चैनल पे कभी मैं अपना इंटरव्यू भी अब नहीं देने वाला। इफेक्टिव अक्टूबर 2011 के बाद मैंने सारे चैनल का 100% बायकॉट करना शुरू किया। तो अंत में मैं समराइज करूंगा कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में कब छपेंगे, वो तब छपेंगे जब महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को विनती करेंगे कि आप ये कानून गैजेट में छापो। तो जो प्रधानमंत्री 25,000 सोते हुए लोगों पे लाठियां चलवा सकता है, पंडाल में आग लगवा सकता है, वो क्या उधम सिंह की बात मान लेगा। भाई जब अंग्रेज के सांसद, अंग्रेज सांसद भी 1946 में उधम सिंह की बात को नहीं टाल पाए, उधम सिंह की विनती को नहीं टाल पाए, तो ये प्रधानमंत्री किस खेत की मूली है, वो उधम सिंह की बात को कभी मना नहीं करेंगे। अब तीसरा सवाल है कि अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह तक बात कहते पहुंचे जाए, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही कट है, राइट कट है, और वो राइट कट है जब करोड़ों लोग विनती करेंगे महात्मा उधम सिंह को कि हे महात्मा उधम सिंह आप पीएम को समझाइए, पीएम को सद्बुद्धि दीजिए कि वो राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छापे, तभी महात्मा उधम सिंह पीएम को विनती करेंगे। और करोड़ों लोगों तक राइट टू रिकॉल की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, वो मैंने चैप्टर 13 में इसके तरीके दिए, उसमें है इलेक्शन लड़ना राइट टू रिकॉल को मुद्दा बना के, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, शुरुआत करो राइट टू रिकॉल पीएम और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज से, या राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, वो सब चिल्लर है, ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए राइट टू रिकॉल, पर इस चिल्लर में मत पड़ो, शुरुआत करो सीधा राइट टू रिकॉल पीएम से, ताकि जो झूठे रिकॉलिस्ट है द अन्ना जैसे, वो तुरंत एक्सपोज हो जाए, वो राइट टू रिकॉल का पीएम का विरोध करेंगे और उसी वक्त वो एक्सपोज हो जाएंगे कि अंदर से ये आदमी मल्टीनेशनल कंपनी, मिशनरी, कांग्रेस, इन सबसे मिला हुआ है। तो इस तरह से आप राइट टू रिकॉल का प्रचार कर सकते हैं, उधम सिंह तक विनती भेज सकते हैं कि हे महात्मा उधम सिंह आप पीएम को कहिए कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छापे, और इस तरह से राइट टू रिकॉल के कानून भारत के गैजेट में आ सकते हैं। धन्यवाद।